हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टेक हवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका इंग्लिश टाइपिंग सीखने का डे सिक्स है या छठवां दिन है। तो डे सिक्स का काम करने से पहले अगर आपने डे वन से लेकर के डे फाइव तक के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उन वीडियोस को आप ज़रूर से देख लेना, तभी आपको डे सिक्स के काम पे आना है। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इससे पहले डे वन से लेकर के डे फाइव तक आपने होम रो की प्रैक्टिस की। ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ। डे टू में आपने जी और एच का यूज़ सीखा, सिंगल इनवर्टेड कॉमा का यूज़ सीखा। उसके बाद आपने डे थ्री में अपर रो सीखी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे डे फाइव में, जिनसे अपर रो और होम रो आपके तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसके होम रो के नीचे वाली जो रो है, जिसका नाम क्या होता है, बॉटम रो। आज हम इसे सीखेंगे। अब दोस्तों, अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो होम रो में कितनी कीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कीज़ हैं। होम रो में कितनी कीज़ हैं, 11 कीज़ हैं। लेकिन अगर आप बॉटम रो में काउंटिंग करोगे तो कितनी कीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर एक की कम है। जब एक की कम है तो जाहिर सी बात है ये चार और एक अंगूठा नौ, तो हम इन नौ मशीनों का यूज़ नहीं करेंगे, नौ यंत्रों का यूज़ हम नहीं करेंगे। एक उंगली का हमारा जो काम है वो हट जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में हम उंगलियों को यंत्र मानते हैं, ठीक है, एक पुर्जा मानते हैं। सो यहाँ पे जब कीज़ कम है तो एक उंगली का हमारा काम हट जाएगा, एक उंगली यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। ठीक, कौन सी यूज़ नहीं होगी आप जान लो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसकी सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है ये हम नीचे के लाइन में यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है, काफ़ी लोग यूज़ कराते हैं पर मुझे उनकी टाइपिंग सही नहीं लगती है, ना ही उनकी एक्यूरेसी आती है। वो लोग बहुत गलती करते हैं, जो लोग ये भी उंगली यूज़ कर लेते हैं, बहुत गलती करते हैं वो लोग। ठीक है, सो करना कैसे है, आपका हाथ वहीं आपके होम पे रखा रहेगा, आपके घर पे रखा रहेगा। ये क्या है, ये हमारा घर है। टाइपिंग जो भी लोग सीखते हैं, जो टाइपिस्ट हैं, उनके लिए होम रो ही उनका घर होता है, जहाँ पे रेस्टिंग मोड पे रहते हैं वो लोग। ठीक है, ये हमारी आइडियल पोजीशन है। अब आप देख पा रहे हो कि जो जेड है वो हल्का सा राइट की ओर शिफ्ट है, इस तरफ को, एक के ठीक सीध में नहीं है। ऐसे ही सिंगल इनवर्टेड कॉमा के जो ये जो की है ये ठीक इसके नीचे नहीं है, हल्का सा लेफ्ट में शिफ्ट है। ठीक है, तो हमें उंगलियों की शिफ्टिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। सो हम अब यहाँ से 1 2 3 इस उंगली का यूज़ हम नहीं करेंगे। कैसे, ये वाली उंगली आप नीचे ले जाओगे, जेड प्रेस करोगे, वापस चले जाओगे स्पेस। ये वाली उंगली नीचे ले जाओगे, एक्स प्रेस करोगे, वापस ले आओगे स्पेस। ये वाली उंगली नीचे ले जाओगे, सी प्रेस करोगे, वापस चले आओगे स्पेस। इसी उंगली से वी प्रेस करोगे, वापस चले आओगे स्पेस। अब इधर से देखिए, स्लैश वापस स्पेस, उसके बाद फुल स्टॉप वापस स्पेस, उसके बाद इस उंगली से कॉमा वापस स्पेस, एम वापस स्पेस, और इस उंगली से एन वापस स्पेस, और इसी उंगली से बी वापस स्पेस। एक बार फिर देखिए, ये उंगली यूज़ नहीं होती है, इस उंगली से जेड वापस स्पेस, इस उंगली से एक्स वापस स्पेस, सी वापस स्पेस, वी वापस स्पेस। अब इधर से स्लैश वापस स्पेस, इसी उंगली से, इसी वाली उंगली से इस तरफ ये दो की इसी उंगली से बनती हैं, स्लैश वापस स्पेस, फुल स्टॉप वापस स्पेस, फिर यहाँ से इससे क्या होगा, कॉमा वापस स्पेस, फिर इससे एम वापस स्पेस, एन और बी इसी उंगली से, इधर सी और वी इसी उंगली से होंगे,
इधर एन और बी इसी उंगली से होंगे और लास्ट के ये दो की इसी उंगली से होंगे, बाकी सब क्रम से ही चलेगा। एक बार दोस्तों फिर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीज़ कम हैं तो एक उंगली भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। Z वापस X C इसी उंगली से V और स्लैश इसी उंगली से फुल स्टॉप, फिर इस वाली उंगली से कॉमा M N B, C और V इसी उंगली से, N और B इसी उंगली से, ठीक है। इस वाली उंगली से M, इस वाली उंगली से कॉमा और इस वाली उंगली से स्लैश और फुल स्टॉप, स्लैश और फुल स्टॉप। थोड़ा सा आप राइट में शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, स्लैश। थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, फुल स्टॉप, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया है तो एक बार आप फिर देख लो, जिनको अभी नहीं आया है तो एक बार फिर से देख सकते हैं। ये आपका ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे, ये आपका होम पोजीशन है। ये उंगली यूज़ नहीं करेंगे, 1 2 3 4 3 4 इसी उंगली से, फिर 1 2 स्लैश और फुल स्टॉप इसी उंगली से होता है ना, ठीक है। 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 इसी उंगली से, स्लैश फुल स्टॉप, उसके बाद ये वाली उंगली एक्शन में आएगी, कॉमा वापस M वापस N वापस B वापस। एक बार अब हम थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं। Z X C V स्लैश फुल स्टॉप, देख लीजिए साफ साफ दिख जाए आपको, इस उंगली से क्या करना है, कॉमा करना है इस उंगली से, कॉमा वापस स्पेस, उसके बाद M इस उंगली से M, देख लीजिए, उसके बाद N और इसी उंगली से B, C और V इसी उंगली से रहेंगे, N और B इसी उंगली से रहेंगे और इधर स्लैश और फुल स्टॉप इसी उंगली से रहेंगे, छोटी वाली उंगली से, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है तो यार लाइक कर दो, और अगर आप ये चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि मेरे हर वीडियो की जो जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, सो आप बेल आइकन पर जब प्रेस करते हो तो आपको ऑल नोटिफिकेशन लिख करके आता है, तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना होता है ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। काफ़ी बार कई लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, जिससे उनके पास वीडियो की जो जानकारी है वो जल्दी नहीं पहुंच पाती, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो।